जय जवान जय किसान के जयकारे करने वाले किसान भाई आज परेशान। अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन गाडरवारा प्रशासनिक अधिकारियों को। आज फिर विनायक न्यूज प्रदेश आपके बीच में अन्नदाता किसान भाइयों की खबर सामने लेकर आया है, जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से लेकर अब मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील आ पहुँचे। जी हम बात कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की, जिनके पदाधिकारियों द्वारा एक दिन पहले से ही 27 सितंबर भारत बंद को लेकर उनका कार्यक्रम था। इसी क्रम में नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील में संयुक्त किसान मोर्चा का कांग्रेस पार्टी द्वारा भी और भी पार्टियों द्वारा सहयोग किया गया है। नगर साली चौका में कांग्रेस के पार्टी के युवा नेता श्री मनीष राय उनके समर्थकों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा का सहयोग किया गया। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी ब्रजमोहन कौरव, जगदीश पटेल, दिनेश ढिमोले, अनिल कौरव, अन्नूभाई सुबोध रजौरिया, नेपाल सिंह गुर्जर, यदुराज वर्मा, नन्नेलाल वर्मा, डालचंद मेहरा, राहुल कौरव, महेंद्र सिंह कौरव, वीरेंद्र सिंह, भारत सिंह कौरव, बसंत कौरव, संदीप कौरव, विनोद कुमार, हरगोविंद, राकेश गुप्ता, रामपुर और भी संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने मिलकर पुरानी गल्ला मंडी से होकर रैली निकालकर केंद्र सरकार का विरोध किया, क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। जब हमने उनसे पूछा, केंद्र मंत्री कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर द्वारा किसान संगठन से बात करने की बात कही गई थी, तो पदाधिकारियों ने कहा, हमारे किसान संगठन के वरिष्ठ जन दिल्ली में धरना दिए हुए हैं, हमारी माँ वही मांगे हैं, अगर पूरी नहीं होती है तो दिल्ली जैसा माहौल गाडरवारा तहसील में भी होगा। हम SDM कार्यालय में धरना देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से हम अपनी बातें केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह तक, भाजपा सरकार तक पहुंचा जा रहे हैं। हमारी मांगें ज़रूर पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जय जवान जय किसान के जयकारे करने वाले किसान आज परेशान हैं। केंद्र सरकार किसानों के हक में फैसला लें, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा और भी किसान संगठनों ने, महिलाओं से लेकर युवा, बच्चों, बुजुर्गों ने किसानों के हक में अपनी मांगे रखी है। इन्हीं बातों को लेकर नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के अंतर्गत संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से हमने चर्चा की। नरसिंहपुर जिले से पत्रकार विनोद चौकसी की खास खबर। आज हम गाडरवारा तहसील आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे बीच में किसान खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें, ये दिल्ली की आवाज़ अब मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला और गाडरवारा तहसील में आ चुकी है। हमारे बीच में आज संयुक्त मोर्चा का जो धरना था, जो प्रदर्शन है, उनके जो पदाधिकारी हैं वो खड़े हुए हैं। क्या नाम भैया आपका? जी मैं ब्रजमोहन कौरव। आपका नाम क्या? जगदीश पटेल। आपका नाम? दिनेश ढिमोले। बताएं दिनेश भैया कि आपका ये जो आज कार्यक्रम है पूरा, किस बात को लेकर आपने आज गाडरवारा तहसील ADM के सामने जो ज्ञापन देने आए थे आप, तो आपने जो ज्ञापन दिया है और क्या बातें उसमें प्रमुख हैं जिसे पूरी की जाए, और आगे की जो आपकी रूपरेखा है वो विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो हमारी लोकल समस्याएं हैं, जो किसानों की ट्रांसफार्मर, खाद है, बिजली है, इन समस्याओं को लेकर रेत की समस्या है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जो मकान दिए जा रहे हैं, उनमें किसानों को 4-4, 5-5 हज़ार रुपए ट्राली रेत मिल रही है। ऐसी कंडीशन में आज 1,20,000 रुपए तो मिलते हैं, और आज 4,000 रुपए की ट्राली यदि रेत खरीदेगा तो कहाँ से मकान बनाएगा? बताएं आपके आगे क्या समस्याएं चल रही हैं। जी ये जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन है दिल्ली में जो चल रहा है, उसी के समर्थन में आज जो बंद का ऐलान था, तो संयुक्त किसान मोर्चा गाडरवारा समिति ने भी यहाँ पर बंद का आह्वान किया और बंद किया गया। तो ये जो संयुक्त मोर्चा का जो उद्देश्य है, तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी, MSP कानून की गारंटी दो, ये सब मांगों तक सीमित नहीं है। ये पूरे मतलब देश का माने हर वर्ग का ये आंदोलन बन चुका है। तो यहाँ पर भी हम लोग सभी मांगों को लेकर के यहाँ पर संघर्ष करने आए हैं। बताएं भैया, सरकार जो दिल्ली भेज दे है तो फिर प्राइवेट जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का,
उसी को लेकर यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे मान के चलो कि भाजपा सरकार मोदी और अमित शाह बोलते कि हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है, वही हम यहाँ बताने आए कि मोदी और अमित शाह की कथनी और करनी में भी अंतर है। ये सिर्फ पूंजीपतिवाद लाना चाहते हैं और किसानों की परिस्थिति ऐसी कर दी कि जो अभी मेरे हाथ में कागज है ये सम्मान निधि के हैं, जो सम्मान के लिए निधि तो दी गई थी लेकिन बेसम्मान करके जो निधि वापस ली जा रही है, निधि वापस कर दी गई है। लेकिन आपके जो नेता हैं पहले भी, जो केंद्रीय सरकार के जो केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री हैं, उनके साथ आपके जो नेताओं की बैठक हुई, तो उस संबंध में निकल के निर्णय क्यों नहीं आ पा रहा है? वो निकल के इसलिए नहीं आ रहा कि भारत सरकार द्वारा नौटंकी की जा रही है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि जो किसान सिंपैथी में है, बाकी जो किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ नौटंकी। जितनी बार की जितने दौर की बैठक हुई है उसमें नौटंकी के अलावा नरेंद्र जो कृषि मंत्री है सिर्फ नौटंकी ही की है। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि किसानों के खाते में आ रही है और कई किसानों के खाते में आ नहीं रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहूँगा, इनका जो सिस्टम है ये सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। जैसे मान के चलो वे लोग कहते हैं कि कांग्रेस खत्म, तो हम लोग जब कह रहे हैं कि अब एक ये स्थिति रही तो भाजपा यहाँ समाप्त होने जा रही है, भाजपा दो की दो पे आ रही है। ठीक, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तीनों काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज 10 महीने एक दिन, 10 महीने से अधिक का समय दिल्ली की बॉर्डरों पर लाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा को हो गया है। इस संयुक्त किसान मोर्चा में 650 से अधिक किसान संगठन है, 350 से अधिक छात्र, नौजवान, महिला, कर्मचारी यूनियन इस संयुक्त किसान मोर्चा को अपना समर्थन दिए हुए हैं। साथियों, यह लड़ाई शुरू हुई थी मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर के, जो तीन काले कानून मोदी सरकार लाई थी उसे लेकर के। लेकिन आज 10 महीने बीतते बीतते यह संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन है, वह आंदोलन किसानों का न रह करके पूरे देश के हर वर्ग का, चाहे वह छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, किसी भी वर्ग का मारे जो व्यक्ति है, इस मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण पूरे रूप से यह देश तबाह हो रहा है। आज हम लोग जो यहाँ पर जो गधे के रूप में मोदी और शाह को हमने प्रदर्शित किया, और उनके ऊपर जो अडानी अम्बानी जो बैठे हुए हैं, ये मोदी और शाह इन अडानी और अम्बानी के लिए पूरे देश की संपत्ति, चाहे वो निजीकरण कहलाए, इस तमाम मारे जनविरोधी नीतियों के जरिए उनके घरों को, उनकी जेबों को भरने जा रही है, और देश के तमाम किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र सबकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, सबको रोड पर खड़ा करने की नीतियाँ लागू कर रही है। तो साथियों, 20 सितंबर को भी हमारा एक दिवसीय धरना यहाँ पर था, हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर ज्ञापन दिया था, और उसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को लेकर के भी SDM महोदया को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ज्ञापन दिया था। तो उस ज्ञापन की कॉपी भी हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि उस दिन जो ज्ञापन दिया था, जो मांगें की गई थी, उस पर प्रशासन ने यहाँ पर क्या कार्रवाई की। हम यह बता देना चाहते हैं, ये संयुक्त मोर्चा केवल दिल्ली में नहीं लड़ रहा, दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये संयुक्त मोर्चा हर किसान की, हर गरीब की, हर मजलूम की, नगरों की, शहरों की, ग्रामों की, जंगलों में रहने वाले हर शोषण से जूझ रहे व्यक्ति की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो हमारा यह संयुक्त मोर्चा ने यह तय किया है कि दिल्ली की बॉर्डरों पर वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, हमारे आंदोलन हर गांव-गांव, शहर-शहर, गाड़रवारा के अंदर भी चल रहा है। प्रशासन को हम जो मांगे लेकर आए हैं, प्रशासन हमारी उन मांगों को गंभीरता से ले, उन मांगों पर हम प्रति एक सप्ताह में रिमाइंडर मांगेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। यदि कार्रवाई नहीं होती तो दिल्ली की बॉर्डरों पर जिस तरीके से घेरा वहाँ पर बना हुआ है, हम SDM कार्यालय के गेट के सामने भी घेरा डालने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है ना साथियों? तो ये जो आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चा का, एक किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, और हम आज यहाँ से
जिन राजनीतिक दलों ने या जितने भी संगठनों ने हमारे इस संयुक्त मोर्चा को समर्थन दिया है, हम उनका आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से। इसके अलावा प्रशासन ने भी हमारे साथ जो सहयोग किया है उसके लिए हम प्रशासन के भी बहुत बहुत आभारी हैं। तो हमने अपने देश को बनाया था, जो हमने अपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पे बनाई थी, जिनमें हमने अपने खून पसीना ये किया था, आज उनको धीरे धीरे करके निजीकरण की ओर बेचा जा रहा है। साथियों, सोचने की बात है कि रेलवे को बेच दिया जा रहा है। आज 2 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए टिकट हो रही है। आप देखें, यहाँ से हमारे साधन संसाधन कम होते जा रहा है। जब उनके प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उनको जिस चीज में फायदा होगा वहां से उसकी गाड़ियां चलेंगी, उससे ज्यादा वो नहीं चलाएंगे। इसी तरीके से इन्होंने रोजगारी की बात करी थी कि युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे साल में, लेकिन मुझे बताइए कि रोजगारी तो नहीं मिली, लेकिन जिनको रोजगार था उनका रोजगार भी चला गया। तो जिस तरीके से सरकार बैठी, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये सही काम कर रही है नहीं कर रही। इन लोगों हम लोग सब साथ साथ आज किसानों की बात करना चाहें, सभी लोगों ने किसानों के मुद्दे पे अपनी अपनी बात रखी, मैं समर्थन करता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि आज यहाँ का जो व्यापारी वर्ग ने भी हमें समर्थन दिया, ये कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी 2-2, 5-5, 10-10 एकड़ जमीनें हैं, उन्हें मालूम है किसानों की पीड़ा क्या होती, किस तरीके से होती। आज जो हमें समर्थन मिल रहा है, ये हम संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में नहीं, उनकी खुद की पीड़ा, ये जन समर्थन है। हमें व्यापारियों का समर्थन नहीं, हम कहेंगे पूरी जनता हमें समर्थन दे रही है, बस हमें अगुवा होने की जरूरत है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ संयुक्त मोर्चा को और हमारी कांग्रेस पार्टी को, उनने सबने संगठित होकर, क्योंकि इस देश को भी आजाद सब लोगों ने संगठित होकर कराया, सभी वर्गों के लोगों ने इसको संगठित होकर आजाद कराया। इसी तरह आज जो देश की स्थिति है, हम सभी लोगों, सभी वर्गों को, सभी पार्टियों को संकेत होकर आज इस तरीके से हमें अपनी मुहिम चलानी पड़ेगी। जब हम ऐसे लोगों से जीत पाएंगे जिन्होंने मीडिया को कब्जा कर लिया, जिन्होंने अपना कोर्ट को कैप्चर में कब्जा कर लिया, ऐसे लोगों से हमें निश्चित ही संयुक्त होकर ही निपट सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की डिक्टेटरशिप चल रही है। आप जरा सी कहीं कोई आवाज़ उठाते हैं, उठा के आपके ऊपर कोई ना कोई नियम कानून, कोई ना कोई जेल